सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड ऑलमोस्ट सब कुछ बिखरा हुआ था एक हफ्ते से, बट क्योंकि आज हॉलीडे है तो टाइम मिला मुझे। एंड सब कुछ अभी मैंने अरेंज किया है और अच्छा लग रहा है, दिख भी रहा है, अच्छा दिख रहा है। रूम बहुत बड़ा रूम है, मेरे पास तो अभी सामान वगैरह कुछ है नहीं, बट जितना भी जो भी है सब कुछ सेट कर लिया है। बहुत कुछ ख़रीदना बाकी है अभी। एंड हाँ, तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि एक्चुअली मेरी सिस्टर है तो उसने मुझे बोला कि भाई तू एक काम कर, अपने घर का एक यू नो रूम टूर वाला एक वीडियो बना, तो वो लोग तेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है वो भी देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और एक कंटेंट भी मिल जाएगा तुझे। सो आई थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को। सो आइए मैं आप लोगों को मेरा अपना फ्लैट दिखाता हूँ जो कि मैं रेंट पे रहता हूँ। एंट्रेंस वाला, ठीक है, ये एंट्रेंस डोर है। एंड सो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये सामान वगैरह आप देख रहे हो, ये सब बिखरा हुआ था एक हफ्ते पहले, सब इधर उधर सब कुछ बिखरा हुआ था, सबको मैंने सेट किया। देन उस चीज़ को मैंने सेट किया, ये भी मैंने धो के मैंने साइड में रख दिया था, तो आज इसको भी मैंने यहाँ पे सेट किया। और ये अभी भी देख सकते हो, अभी भी मैंने ये सब अनपैक नहीं किया है, वो पैकिंग अनपैकिंग सब कुछ करना है। कुछ किताबें हैं, कुछ कपड़े भी है, तो बिकॉज मेरे पास वो स्टील वाला अलमीरा है नहीं तो इसीलिए मैंने निकाला नहीं। तो ये रहा मेरा, दिस इज़ हॉल कम डाइनिंग बोल सकते हो, हॉल कम डाइनिंग है। यहाँ पे है, इस रूम पे मैं अभी फ़िलहाल मैं रह रहा हूँ, मैं सोता हूँ इस रूम पे। तो ये रहा मेरा बिस्तर है, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। कोई नहीं यार, बैचलर का यही ऐसा ही हाल होता है, सब कुछ इतना समेट के तो आप नहीं कर सकते अकेले। तो ये एक्चुअली मेरा कन्वर्टेबल है, जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह रखता हूँ, बट बहुत कुछ इसमें भी करना बाकी है, सब कपड़े मैंने अभी तक फिट नहीं किया हुआ है। सो यही पे है। एंड कुछ सामान इधर भी पड़ा हुआ है। एंड अभी तो चद्दर वद्दर सब कुछ सुखाने के लिए दिया है, तो मैं बाद में आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा यहाँ का। अच्छा तो उतना अच्छा है नहीं, बट जैसा भी है हवा बहुत तेज़ आती है यहाँ से, अच्छा लगता है। और हाँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये व्यू है यहाँ का। सो चलिए दूसरे रूम पे जाते हैं हम लोग। सो इससे पहले ये मेरा किचन है, ये किचन भी सब कुछ बिखरा हुआ था, सामान वगैरह सब इधर उधर था, मैंने सब कुछ सेट किया। और ये एक्चुअली मुझे मिला था रिलीविंग के टाइम में, जब मैं वर्धमान आरओ से आया था, तो ये हम सभी को एक एक रिलीविंग गिफ्ट मिला है। स्टोव वगैरह लगेगा, गैस सिलेंडर भी मैंने अभी तक गया था, बट आज थिंक 2 अक्टूबर के कारण दुकान सब बंद है, एजेंसी बंद है। एंड दिस इज़ द सेकेंड रूम, इसको भी मैंने साफ़ करके ही रखा है, बिकॉज यहाँ पे एक बेड लगेगा, यहाँ पे मैं एक बेड लगाऊंगा। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये व्यू अच्छा है यहाँ से। एंड बट एक चीज़ है कि बहुत बहुत शोर है, बहुत नॉइज़ी है, गाड़ियों का बहुत साउंड आते रहता है यहाँ पे दिन भर। कोलकाता इज़ अ बिजी प्लेस, आप कहीं पे भी जाओ आपको यू नो एकदम क्वाइट जो होता है ना एक एनवायरनमेंट, वो नहीं मिलेगा, वो सराउंडिंग आपको मिलेगा नहीं। लगभग सभी जगह में ऐसा ही कुछ सराउंडिंग है। इसको अभी तक मैंने टच नहीं किया, इसको साफ ऑफ नहीं किया, इसको भी साफ करना है। सो एक्चुअली यहाँ से अभी तक मैं खुद भी इसके अंदर ज़्यादा घुसा नहीं हूँ, तो आज मैं पहली बार आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस रूम के अंदर आया हूँ। मैंने इसको बाहर से लेके बंद कर दिया था। सो गाइस, हाँ ये रहा मेरा घर, आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को। सो गाइस, ये एक्चुअली ये रहा मेरा घर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड यार बैचलर का तो यही लाइफ होता है, आपको पता ही है कि सब कुछ आप सेट एकदम से सेट नहीं कर सकते। मेरे से जितना हो सका मैंने किया, बाकी धीरे धीरे करूँगा।
सेकेंड वीक में यू नो नेक्स्ट वीक आई थिंक सैटरडे को बंद है, तो सेकेंड सैटरडे है, तो तब मैं सैटरडे संडे को मुझे और भी बहुत कुछ ख़रीदना है, कुछ सामान ख़रीदने हैं, और सबसे पहले तो सिलेंडर वाला अपना काम उसको ख़त्म करना है, उसको लेना है। जब तक सिलेंडर लूँगा नहीं तो खाना वाना मैं नहीं बना पाऊँगा। तो यही है, अपने सिस्टर के रिक्वेस्ट पे मैंने एक अपना होम टूर दिया है, और अभी यहाँ से एक जर्नी शुरू हुआ है मेरा, एंड पता नहीं ये जर्नी कब तक चलेगा, बिकॉज वर्धमान में एक साल का जर्नी होगा ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। द रीज़न बिंग, आप बैंक में क्या होता है कि एटलीस्ट 2-3 साल तो आपको रहना पड़ता है एक जगह में, कभी कभी 4-5 साल भी हो जाता है, बट वर्धमान में इतना शॉर्ट स्टे होगा वो मुझे आइडिया नहीं था उस चीज़ का, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बट चलिए, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी है, किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होना ही है। सो एक साल उधर था, अब यहाँ पे पता नहीं कितने दिन रहूँगा, बट हाँ, जितने दिन भी मैं यहाँ पे रहूँगा आई विल मेक श्योर कि मैं इस यू नो अपने टाइम को अच्छे से इसको यूटिलाइज करूँ, एक्सप्लोर करूँ इस एरिया को, एंड आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँ। सो ओके गाइज, सी यू अनदर टाइम, बाय बाय, टेक केयर।